हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का अकाउंटेंसी का 2024 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसका डिटेल सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड इस सीरीज में आज मेरा फिफ्थ लेक्चर वीडियो है। चार लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सीरीज में। तो चलिए फिर बिना देरी के जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं ये बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे कहाँ पे। तो ये लिंक है सीबीएसई की वेबसाइट पर, जाइएगा वहां पे क्वेश्चन पेपर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर वहां पे हैं अपलोडेड, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होते हैं ना, ये जरूर आपको सावधानी से रीड कर लेने चाहिए। वैसे तो जनरली पैटर्न आपको पता रहता है, बट फिर भी चेंज हो सकता है, इसलिए एक बार फिर से आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, राइट। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 से आज हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि विष्णु एंड मीशू आर पार्टनर इन अ फर्म। विष्णु और मीशू क्या है? पार्टनर्स है फर्म में। मीशू ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ये जो मीशू है ये ड्रॉ करती है फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर हमारा जो ईयर होता है वो तीन तीन महीने के, ये जो तीन तीन महीने का ये लॉट में डिवाइडेड होता है, तो हर लॉट को क्या कहते हैं? क्वार्टर, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर चार को, एक साल में चार क्वार्टर होते हैं। तो ये जो मीशू है ये एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करती थी? फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ करती थी एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर के एंड में एक फिक्स अमाउंट ड्रॉ करती थी, ठीक है। अब इसमें आगे दिया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब ये जो मीशू पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता था वो कितना लगता था? 15% पर एनम के रेट से। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मीशू ड्रॉइंग अमाउंट टू 9000। साल के अंत में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मीशू पे आया वो कितना आया? 9000। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग ऑफ मीशू फॉर। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो मीशू पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया था वो कितने, मतलब चार्ज किया गया था फॉर यानी कितने समय के लिए, उसका ड्यूरेशन, उसका पीरियड क्या था, ये आपको बताना है। क्या वो 6 मंथ था, 4.5 मंथ था, 7.5 मंथ था या 4 मंथ था, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्वेश्चन है। तो मैं बताना चाहूंगी कि क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जहां पे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ा है। तो इसमें 7 केसेस बनते हैं। अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है तो इसमें 7 केसेस बनते हैं। ये 7 केसेस किस बेसिस पे है कि वो ड्रॉइंग कब कर रहा है? एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, या एट द मिडल ऑफ द मंथ, या एट द एंड ऑफ द मंथ, या इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, या अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। तो डिफरेंट केसेस हैं, तो मैंने 7 केसेस डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। बट फिलहाल चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि सबसे पहले तो ये जो बेसिकली यहाँ पे एवरेज पीरियड पूछ रहा है, ये जो अमाउंट कैलकुलेट किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये किस ड्यूरेशन पे कैलकुलेट किया गया है? एवरेज, आपको एवरेज पीरियड पूछा जा रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, वहां मैंने डिटेल में वीडियो में पढ़ाया हुआ है, पर मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है इस केस में, जहां पे एट द एंड ऑफ द क्वार्टर अगर ड्रॉइंग हो रही है। देखिए मीशू कब ड्रॉ कर रही है? फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रही है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो उस केस में एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम लेफ्ट, मैं इनिशियल्स लिख रही हूँ, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी जब उसने पहली बार ड्रॉ किया उसके बाद कितना समय बचा है उस फाइनेंशियल ईयर में, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू। ये फॉर्मूला है एवरेज पीरियड का। यानी जब उसने पहली बार ड्रॉ किया, तो पहली बार कब ड्रॉ किया बताइए? पहली बार ड्रॉ कब किया उसने? फर्स्ट क्वार्टर, पहला क्वार्टर देखिए, अप्रैल मई जून, यानी जून के एंड में उसने पहली बार किया विड्रॉ, ठीक है। अगला विड्रॉ कब किया? मार्च, जो फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो मार्च के एंड में किया, ठीक। तो बताइए कितना टाइम लेफ्ट था आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग के बाद कितना समय लेफ्ट था? तो जून के बाद अगले साल मार्च तक कितना समय है? 9 मंथ है ना। फर्स्ट क्वार्टर यानी 3 महीने तो निकल गए, 3 महीने के अंत में, तो 12 में से 3 माइनस करिए 9, प्लस
जब उसने लास्ट ड्रॉ किया, तो महीने के अंत में ड्रॉ कर रही है ना, तो लास्ट बार ड्रॉ किया तो कितने महीने बचे? जीरो, ठीक, दिस डिवाइडेड बाय टू, तो कितना आ गया? 4.5। यानी एवरेज पीरियड कितना है, यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आया है वो 9,000 जो है वो कितने पीरियड पे, यानी कितने एवरेज पीरियड क्या है, तो एवरेज पीरियड इज 4.5 मंथ। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाएगा। देखिए लिखा है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मीशूज ड्रॉइंग अमाउंट टू 9,000। यहाँ पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करने को नहीं कहा गया है, यहाँ पे आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने को कहा गया है कि ये जो 9,000 का अमाउंट आया है इसको कैलकुलेट करने में जो एवरेज पीरियड है वो कितना लगा है वो आपको बताना है। तो वो 4.5 मंथ आया है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद कितना समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके यू विल कैलकुलेट एवरेज ड्रॉइंग, आप एवरेज ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आया है? 4.5 मंथ, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना, मुझसे काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्लास 12 के कि मैम प्रिपरेशन कैसे करें, कुछ टिप्स बता दीजिए, कुछ सजेशन बता दीजिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा पाए उतना अच्छा है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, मेरे सामने एक बुक आई है, काफी अच्छी बुक है, ओसवाल गुरुकुल की। तो ये बुक आप रिफर कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये बुक आप जरूर रेफर करिएगा। कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट बुक्स ये मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात करूं तो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, बीएसटी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, तो सबकी सेपरेट बुक मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है। इवन मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में इन्हीं बुक से इस समय क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, तो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं, काफी अच्छे बुक है, राइट। और एक बात और है कि ये जो 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है, तो काफी अच्छी बुक है जो आपकी तैयारी में हेल्प करेगी। ठीक है, एंड इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं इसको। और इनका ओसवाल का एक टेलीग्राम का चैनल भी है, वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जरूर उसको भी एक बार जरूर विजिट करिएगा। इसके साथ ही इनका पोर्टल है, oswal.io का पोर्टल है, वो भी एक बार जरूर विजिट करके देखिएगा। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है, कितने समय में हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो ये सब समझ में आता है। तो जरूर एक बार मॉक टेस्ट भी दीजिएगा यहाँ पे जाके। और बहुत खास बात है कि केवल मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपको उसका फीडबैक भी मिलेगा, वो मॉक टेस्ट इवैल्यूएट भी किए जाएंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो ये काफी अच्छी बात है। तो ये जरूर एक बार इसको मतलब देखिएगा, विजिट करिएगा। प्लस इनका ये स्कैनर है, ये एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, ये इनका स्कैनर है, इसको स्कैन करके आप साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर ओसवाल के पोर्टल पे जाइएगा और इन बुक्स को एक बार जरूर रेफर करिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो देयर वेर डेटर्स ऑफ 34,000, तो 34,000 के इनके डेटर्स हैं, ठीक है, जिनसे पैसा मिलना है। अब इसमें डेटर ऑफ 1,000 बिकेम बैड, अब इसमें 1,000 के डेटर जो है वो बैड हो गए हैं, मतलब उनसे पैसा नहीं आएगा। 60% वॉज रियलाइज फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर, अब जो बचे हुए डेटर्स हैं उनसे केवल 60% ही रियलाइज हो पाया है। तो आपको क्या बताना है कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड बाई हाउ मच अमाउंट ऑन द रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर। तो आपको बताना है कि कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड कितना अमाउंट रियलाइज होगा डेटर से, कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है डेटर से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 34,000 के डेटर थे जिसमें 1,000 के बैड डेप्ट हो गए, मतलब वहां से पैसा नहीं आएगा। अब जो बचे हुए थे उनसे 60% रियलाइज हुआ, तो आपको बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड डेटर से कितना पैसा आएगा। ठीक, तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए कितने डेटर है, 34,000 के डेटर है, अब इसमें से कितने बैड डेप्ट हो गए, यानी कितनों से पैसा नहीं आएगा, 1,000 से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, यानी कितनों से पैसा आएगा, 33,000 से ही
आएगा, ठीक। लेकिन इनमें भी सबसे नहीं आया, इनसे केवल 60%, 33,000 में से केवल जो डेटर थे, 33,000 के डेटर थे, उनसे केवल 60% ही रियलाइज हो पाया, आ पाया। यानी 33,000 का क्या करेंगे, 60% निकालेंगे, ठीक है। ये आप इसको काटेंगे एंड इसको फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, यू विल गेट 19,800, ये आएगा 19,800, यानी 19,800 ही डेटर से रियलाइज हो रहा है, ठीक। यहां तक हो गया, बट इसके साथ ही पूछा गया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि जब डेटर से कैश जब रिसीव होता है तो एंट्री क्या होती है, याद है ना, एंट्री क्या होती है। वैसे एक बात बता दूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मैं डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। तो मैंने बताया था डेटर से जब कैश रियलाइज होता है तो एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही बताया था ना। जब डेटर से पैसा रियलाइज होता है तो क्या होता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, कितना आ रहा है, 19,800, 19,800। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें कौन सा अकाउंट सही, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से, 19,800 से, 19,800, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी ये जो चार आइटम आपको दिए हैं इसमें से कौन सा आइटम है जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डील नहीं किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे एक सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये क्या होता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन होता है एंड फर्म का जो भी प्रॉफिट है ना, ये अप्रोप्रिएट किया जाता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, किया जाता है ना, पार्टनर्स के बीच में फर्म का जो भी प्रॉफिट है ये डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या कह लीजिए अप्रोप्रिएट किया जाता है। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के वो शो करते हैं, ठीक है। और जो एडजस्टमेंट होता है उसमें किन किन चीजों का एडजस्टमेंट होता है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब एडजस्ट किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो फर्म का है वो लिया जाता है, एंड जो एज पर पीएल अकाउंट आया है वो लिया जाता है, एंड उसे पीएल अप्रोप्रिएशन एंड फिर उसे अप्रोप्रिएट किया जाता है। तो ये देखिए मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट हुआ, फिर इसमें सब एडजस्ट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, जो भी खर्चे हैं जो भी अप्रोप्रिएट किए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ये फिर लास्ट में निकल के आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कितना जाएगा ये निकल के आता है। तो ये फॉर्मेट मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। तो आपने देख लिया इस फॉर्मेट में कौन कौन से आइटम है जो डील किए जाते हैं थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देख लिया। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं, बताइए कौन कौन से अकाउंट डील किए जाते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया जाता है, हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किया जाता है, हाँ। पार्टनर सैलरी की जाती है, हाँ। लेकिन ये देखिए रेंट पेड टू पार्टनर, तो बता दूं जो रेंट पेड टू पार्टनर है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है और इसे डेबिट किया जाता है पीएल अकाउंट में। ये जो रेंट पेड टू पार्टनर है ना, इसे पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना उसमें डेबिट किया जाता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इससे डील नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे के क्वेश्चन ना अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। क्लास 12th की अकाउंटेंसी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बीएसटी, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसके हेल्प से पढ़िएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।